और अब खबर रायपुर से है, जहां ऋचा जोगी जाति प्रकरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आदिवासी विकास परिषद के सदस्य इस मामले की शिकायत करने राजभवन पहुंचे और इसके साथ ही कांग्रेस नेता संत कुमार नेताम भी मौजूद थे। संत कुमार नेताम ने मुंगेली कलेक्टर के समक्ष भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। नेताम की शिकायत पर ही ऋचा जोगी के खिलाफ जांच चल रही है। संत कुमार ने कहा कि ऋचा जोगी आदिवासी नहीं है, उन्होंने फर्जी तरीके से जातीय प्रमाण पत्र हासिल किया है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए हम आए हुए हैं ताकि इन लोग जो जोगी परिवार है अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। पिछले कई सालों से इन लोगों ने आदिवासी सीट से अपना जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं, तो ऐसे अन्य लोगों को भी इससे मौका मिलता है। तो हम चाहते हैं कि अमित जोगी का भी प्रमाण पत्र निरस्त होना चाहिए, ऋचा जोगी का भी जाति प्रमाण पत्र निरस्त होना चाहिए। तो इसे तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करने आए हैं। जबकि जाति प्रमाण पत्र पढ़ते समय जरूरी रहता है, अभी ये अभी कुछ महीने में वो बनाकर मुंगेली SDM ने बनाकर दे दिया है, तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि वास्तव में कैसे बनाकर दे दिया और अभी बनाने की उनको क्या जरूरत है, जबकि 18-19 साल के उम्र में जाति प्रमाण पत्र बनता है।